Oh,
पतितानांग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जताजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में जो आए हैं कितना कारण को लेकर के आए, चार कारण है। कल हम लोग जो सर्वप्रथम जो साधारण कारण उसको विषय पर सुन रहे थे। कलयुग में महाप्रभु किस लिए आए, कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन, एतद अर्थ अवतीर्ण श्री चैतन्य। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल ठाकुर जी का नाम से ही जीव का कल्याण होगा और कोई मार्ग नहीं। केवल भगवान का नाम को स्मरण करते करते जीव भवसागर से पार हो जाएगी। इसलिए श्री महाप्रभु आए। इसलिए कल मैंने इसी विषय पर मैंने बहुत बहुत कथा मैंने बताया था। चार युग है, चार युग में अलग अलग मंत्र हैं। थोड़ी बहुत किसको याद है, कोई बता सकते हैं थोड़ी बहुत किसको याद है थोड़ी बहुत? हाँ, एक व्यक्ति हाथ उठाया, और कौन हाथ उठा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं? कलयुग में जो नाम संकीर्तन कलयुग का युग धर्म है, क्या कौन बोल सकता है इसी विषय पर? कौन युग में कौन सा मंत्र है और शंकर जी पार्वती को क्या बताए? हम पहले हरे राम से क्यों नहीं करे, पहले हरे कृष्ण से क्यों करे, हैं? किसको थोड़ी बहुत याद है, तू कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी नोट करना, ठीक है? थोड़ी थोड़ी नोट करना और कोशिश करना थोड़ी थोड़ी बोलने के लिए। आओ तुम बोलो। हाँ त्रेता युग का ये त्रेता युग का मंत्र है। हाँ, ये द्वापर युग का लोग ये मंत्र जप करते थे। और सत्य कलयुग का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हाँ, इनके लिए ताली बजाओ। देखो जो बोल पाएगा उनके लिए ताली बजेगी, हैं? इसलिए अभी प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर मैं देखना कौन देता है। हम लोग हरे राम से नहीं करके ये हरे कृष्ण से क्यों करें? ये इसी विषय पर कल मैंने क्या बताया था, कौन बोलेगा हाथ उठा? हाँ, सुबह बोलेगा, बोलो। आपने कल बताया था कि ईस्ट हमारा एक ही हो सकता है। हाँ, ईस्ट जो है, हाँ, एक ही हो सकता है। हाँ, जैसे कृष्ण हमारे ईस्ट है, तो इसलिए हम उसको कृष्ण से ही शुरू करते हैं। और राम से, इसमें जो राम शब्द का अर्थ है वो श्री राम से नहीं है, जो राधा रमन मतलब राधा के साथ जो रमन करते हैं कृष्ण, वो ही राम। हाँ, और ये हमें हरे कृष्ण हरे राम से क्यों नहीं करनी चाहिए, हरे कृष्ण से क्यों करनी चाहिए? कुछ लोगों का इसी विषय पर अलग अलग मत बात। बोलो इसी विषय पर बोलो। सनत कुमार संहिता में बोलो, जोर से बोलो। सनत कुमार संहिता में बताया गया है ये मंत्र, उसमें हरे कृष्ण से ही ये नाम पर, ये मंत्र प्रचलित है। परंतु जो इस संसार में हरे नाम से लोग बात कहते हैं, ये क्या हुआ कि जितने भी संसार में ग्रंथ प्रचलित है गोरखपुर प्रेस से प्रचलित है, तो वहाँ किसी कारणवश उन्होंने, जैसे कि राम पहले त्रेता युग में आए और द्वापर में कृष्ण आए, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही राम को, हरे राम को मंत्र को पहले कर दिया, जिससे ये सारी दुनिया में प्रचलित हुआ। पर ये गलत विधान है। उनमें भी जयपुर में एक ग्रंथ है जो नाम आपने बताया था, उसमें जो सबसे पुराना ग्रंथ है उसमें ये मंत्र हरे कृष्ण से ही प्रचलित है। हाँ, ये हरे आप लोग समझ में आया है, समझ में आया है? इसलिए कुछ लोग कहते नहीं, भगवान राम तो त्रेता युग से आए, इसलिए पहले उनका नाम होनी चाहिए हरे राम से, हम पर हम हरे कृष्ण से क्यों करें? इसलिए कहते नहीं, पहला कारण है इसमें जो राम जो हरे, हरे मतलब क्या, राधा रानी,
कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को जो हरण करती हैं वो हरा से ये हरे हुए हैं। हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण। अभी हरे राम कैसे, राधा जी को साथ में तो राम नहीं रहेंगे, राधा जी को साथ में श्याम रहेंगे, राधा जी को साथ में श्याम रहेंगे। इसलिए फिर जो राम शब्द है ये राधा रमयते इति राम, राधा जी को साथ में रमण करने का नाते कृष्ण का एक नाम राम शब्द है। इसलिए ये जो महामंत्र में ये जो मंत्र है इसलिए इष्ट कभी दो नहीं होते हैं, इष्ट एक ही होते हैं इष्ट। इसलिए इसमें जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसलिए कभी किसी रामानंदी संप्रदाय मतलब जिस संप्रदाय में सीताराम को उपासना करते हैं उसी संप्रदाय में कभी भी ये मंत्र अपना शिष्यों को नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें राम का नाम ही नहीं, उसमें राम रामायण नमो का जो मंत्र है, हैं भगवान राम को उपासना करते हैं। केवल हमारी ये गौड़ीय संप्रदाय में ही ये मंत्र को दी जाती है। कारण क्या, बोले हमारे जो इष्ट है कौन है, इष्ट राधा कृष्ण हमारी इष्ट है। इसलिए इसी महामंत्र को श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री जीव गोस्वामी, इन्होंने इसी मंत्र को बड़े सुंदर रूप में व्याख्या किया। ये जो कृष्ण शब्द को उन्होंने तो कितने 32 तरह का, एक कृष्ण का 32 तरह का मीनिंग बताया। हरे शब्द को उन्होंने 16 तरह का मीनिंग बताया और राम शब्द को उन्होंने 16 तरह का मीनिंग बताया। इन हमारे गोस्वामी लोगों ने इनकी पूरी व्याख्या कर श्लोक को साथ में इन लोगों ने पूरा महामंत्र को बताया। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र केवल जो राधा कृष्ण को उपासना करते हैं उन्हीं के लिए ये मंत्र हैं। इसलिए कल आपको ये बता सकता हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु इसी विषय में क्या बोले। महाप्रभु ने कल हमने बहुत सारी बात सुने, महाप्रभु कह रहे हैं क्या क्या भक्तों को कह रहे हैं महामंत्र, किसको कौन बोल सकता है, महाप्रभु क्या बोले बोलो। हाँ, इसलिए कहते श्री विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने जो एक अष्टक लिखे है जिसका नाम शिक्षाष्टकम, जिसका नाम शिक्षाष्टकम। महाप्रभु ने और कोई ग्रंथ नहीं लिखे है, केवल एक ही ग्रंथ है जिसका नाम शिक्षाष्टकम, जिसमें केवल नाम की महिमा बताए और कुछ नहीं। भगवान का नाम को कैसे करनी चाहिए, किस रूप में करनी चाहिए, नाम करने से हमें क्या मिलेगा है, इसलिए उन्होंने नाम की क्या महिमा है केवल 8 श्लोक में केवल उन्होंने नाम 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 की महिमा ये शिक्षाष्टक में बताया। अद्भुत ग्रंथ है शिक्षाष्टक है। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, महाप्रभु खुद कह रहे हैं इहा जप गया सबे करिया निर्बंध। ये जो हरिनाम दिया इसको कैसे जप करनी चाहिए, नियम से। ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया थोड़ा माला कर दिया, कल इच्छा नहीं हुआ तो माला जहाँ के तहाँ रह गया। इसलिए हमारे बड़े गुरुदेव कहते हैं माला नहीं, ये गुरुदेव जब माला दिए हमें कृष्ण को दे दिया, हमें कृष्ण को दिया है। एक दिन अगर हम स्नान नहीं करें, खाना नहीं खाए, कपड़ा नहीं बदला है, अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर एक दिन हमने माला नहीं जप की तो हैं क्या हो गया, ठाकुर मानो दिन भर भूखे रह गए, ठाकुर जी स्नान नहीं किए, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदलाए, ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए ठाकुर जी। इसलिए नाम को कभी माला कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए, रोज माला करनी चाहिए। और कैसे नाम करनी चाहिए, बोले निर्बंध नियम करके। विशेष करके महाप्रभु तो ये बताए दिन में कम से कम कोशिश कर 1,00,000 हरिनाम करने के लिए, कितना ना 1,00,000। महाप्रभु कहते हैं जो 1,00,000 हरिनाम करते हैं वो लखपति है, हैं वो असली लखपति वही है। महाप्रभु बोले ना जब महाप्रभु को निमंत्रण दिया, महाप्रभु भोजन करना, महाप्रभु क्या बोले, जो लखपति होगा उसको घर में भोजन करेंगे,
भक्त लोग बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं है। उस समय लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्णम है, हमारे घर में क्या भोजन नहीं करेंगे। महाप्रभु क्या कहते हैं, असली लखपति कौन है, जो 1,00,000 रोज ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हर जिन जिन ने यह मोती लूटे तो सो माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल है। इसलिए असली धन भगवान का नाम धन, इसलिए इसको कैसे करनी चाहिए, नियम करके हैं। इसलिए कम से कम हमारे जो संत लोग कहते हैं 1,00,000 अगर नहीं कर सकते हो 64 माला में 1,00,000, कम से कम 16 माला तो एक दिन में, अगर लखपति नहीं बन सकते हो 4 दिन में तो लखपति बनो। इसका मतलब है 16 माला से कभी नीचे नहीं जानी चाहिए किसी तरह से। तब प्रभुपाद कहते हैं तो महाप्रभु क्यों बोले जे 1,00,000 हरिनाम करने के लिए, किस लिए बोले, इसका क्या कारण है, बोले इसका कारण बोले अगर एक व्यक्ति अगर कोशिश करे 1,00,000 हरिनाम करने के लिए ना, अब देखना उसको कभी भी इधर उधर बात करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको 1,00,000 नाम करने के लिए मिनिमम 6-7 घंटा लगेगा। जो व्यक्ति 6-7 घंटा हरिनाम में देगा उसको क्या समय है इधर उधर बकवास करने के लिए, बात करने के लिए, इधर उधर करने के लिए, उसको समय ही नहीं कभी मिलेगा। अब एक दिन 1,00,000 हरिनाम करते हुए देखो, सवेरे से लेकर के रात तक देखोगे पूरा जब हिमसिमी खा जाओ किस तरह से 1,00,000 नाम पूरी होगा। इसलिए दिन भर देखना, अब जिस चीज को दिन भर चिंता करोगे ना, रात को जो सोए ना वही कन्हैया दिखेगा, भगवान ही दिखेगा। क्यों, रात भर प्रभु का चिंतन करते करते हरिनाम करते करते सोए, अभी जिसको चिंता करेंगे वही तो दिखेंगे ना, हैं। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, 1,00,000 जो हरिनाम करेगा हैं, बस कहते हैं एक जीवन में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक जीवन में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर 1,00,000 हरिनाम कोई करेगा तो, नियम करके रोज रोज 1,00,000। हाँ, इसलिए कभी भी 16 माला से कभी नीचे नहीं करनी चाहिए, ये चीज को तो बांध कर रखो। अभी प्रश्न होता है क्यों महाप्रभु क्यों कहते हैं नियमित पूर्वक हरिनाम करने के लिए, महाप्रभु क्यों बोले, क्या रहस्य है। तो उसको उदाहरण देते हैं, जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल जाता है तो पढ़ने का नाम लेकर के, लेकिन जाकर क्या करता है, जो उसका जो बैग बिस्तरा को रख करके बेड़ी को अपना बैग पुस्तक रख कर बच्चों के साथ में खेलता है क्रिकेट, और बच्चों के साथ में खेलते खेलते और शाम को वापस आ जाता है। अब पिता माता क्या सोचते हैं, भावरा मेरे बेटा रोज स्कूल जा रहा है, ये रोज स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन वो पढ़ाई किया कि नहीं क्या पता कब चलेगा, जब एग्जाम आएगा है, जब एग्जाम आएगा कितना मार्क आया है उससे पता चल जाता है इसने कितने कैसे उसने पढ़ाई, एग्जाम से पता चलता है। ठीक है, उसी तरह हमारी भक्ति बढ़ी ना भक्ति घट रही है इसको पता कैसे चलेगा, बोले एग्जाम, एग्जाम क्या हरिनाम, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम रूप में कृष्णा बता, भगवान कलयुग में किस रूप में आए, अपना नाम रूप में आए। हम तो भगवान को देखे ही नहीं, ठाकुर को तो देखा ही नहीं, लेकिन भगवान हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए जब हम उनका नाम जप करते हैं, कहते नाम जप करना और भगवान से साक्षात्कार करना एक ही है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान अपना नाम में सारे शक्ति दिया है। इसलिए जब भगवान के नाम जप करते हैं, समझो भगवान से साक्षात हमारी मुलाकात होता है, साक्षात रूप में मुलाकात होता है, हैं। इसलिए नाम को हमें नियमित पूर्वक संख्या पूर्वक नाम हमें जप करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु बोले कि सहने की भोजने कि बा जागरणे आहर निश्चिंत कृष्ण बोलो बदने, क्या शयन करते समय, जगते समय, उठते समय, बैठते समय क्या करो, हाथों में काम करो और मुंह में हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं। और कुछ समय निकालो जो बैठ करके और तुलसी को सामने रख करके, तुलसी में ठाकुर का निवास है, तुलसी को सामने रख करके तुलसी को दर्शन करते करते थोड़ी समय बैठ करके हरिनाम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, हैं। तभी जीवन में कुछ अनुभूति होता है, कि जीवन में अनुभूति नियम है, कुछ समय बैठ करके हरिनाम करो
हैं, हम कभी कभी हरि नाम करते इधर देखते हैं उधर देखते हैं, हरि नाम करते सबके बाद ए क्या कर रहे हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इधर आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐ तुम्हें ऐसे क्यों कि हरे कृष्ण नहीं, नहीं ऐसे नहीं नियम है। कभी कभी होता है ना कहते बहुत दिन तक हरि नाम करने पर भी कभी कभी दिखता है हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, बोले कसर किस में है, कमी किस में है, नाम में है ना, हमारे अंदर में कसर है हमारे अंदर में, इसलिए नाम को ठीक से अगर हम लेंगे, हृदय से पुकार पुकार करके नाम लेंगे, हैं वाल्मीकि अगर उल्टा नाम करते करते दशरथ नगर अगर वाल्मीकि बन सकता है, अगर हम हैं ठीक हरि नाम करेंगे तो हम क्या नहीं बन सकते हैं, हम जरूर भगवत प्राप्ति हमारी हो सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या बात है, ये एक सुंदरदाई उंगली से निकाली किसे मोबाइल पे चला सके नो, ये भी नहीं मानते लोग इससे मोबाइल चला दबा के उन रुकता हां ये सब सब बड़ा काम है आज के टाइम में जी, यही चल रहा था इसके मन में, ये उंगली फाड़ में निकली मोबाइल के लिए, हरे कृष्णा। इसलिए इसलिए ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए भगवान के नाम को नियम से करो, ठीक से हरि नाम करो, जरूर भगवान का नाम से हमें जरूर भगवत प्राप्ति, हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम से ही कल्याण होगा, इसलिए नाम रूपे कृष्ण अवतार हैं कहते कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है त है सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान राम रूप में आए और हरि नाम से ही संसार से हम निस्तार हो जाएंगे। इसलिए कल हम लोगों ने इस विषय पर हम लोगों ने सब श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु आने का ये पहला कारण था। क्या दूसरा कारण क्या था, कहते जो गौण में जो मुख्य कारण था उसको कल हम लोगों ने उनसे सुना था, जो प्रेम कहते अनर्पित चरिंचिरा, देखो इस चीज को सुनो, ए हमारी ये हाँ जनार्दन तुम जैसे कल बताए ना, ये प्रेम कभी दी नहीं गई थी ऐसे नहीं, कहते अनर्पित, अनर्पित मतलब होता है चिरात, चिरात मतलब होता है जो प्रेम बड़े दिनों से नहीं दी गई, इसका मतलब नहीं दी नहीं गई थी, दी गई थी तो है लेकिन कब दी गई थी, वो दी गई थी कब दी गई थी, ब्रह्मा का एक दिन पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे तब भी उन्होंने ये प्रेम को उन्होंने तब भी उन्होंने प्रदान की थी, लेकिन जब श्री महाप्रभु फिर आए फिर दोबारा उन्होंने इसी प्रेम को दोबारा जगत दिया, इसलिए बोले बड़े दिनों से जो प्रेम नहीं दी गई थी हैं, इसलिए वह प्रेम को देने के लिए आए, बोले सो भक्ति श्री अब, वो कौन सा भक्ति है, बोले अपना भक्ति, भगवान की अपना भक्ति क्या, बोले अपना भक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, कहते उन्होंने राधा प्रेम को देने के लिए जगत में नहीं आए, क्या देने के लिए, बोले श्री, श्री मतलब उसका सुंदरता उसका सौंदर्य, मतलब कहती ये मंजरी भाव, मंजरी भाव मतलब होता है ये राधा रानी की छोटी छोटी सब सखियाँ होती हैं, राधा रानी की छोटी छोटी ये सखियाँ होती हैं, लेकिन वो देखने में तो छोटी लेकिन बड़ी खोटी है लेकिन सब जानती हैं, इसलिए केवल राधा जी की, इसलिए तीन तरह का गोपियाँ होती हैं, स्वपक्ष विपक्ष और तटस्था, कहते स्वपक्ष कौन है, बोले जो केवल राधा रानी के पक्ष में रहने वाले, जो राधा जी के सुख में सुखी, राधा जी का दुख में दुखी, कहते तटस्थ कौन है, बोले राधा रानी को भी साधन उनके भी मानती हैं, उनके भी सेवा करते हैं और कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल कृष्ण को पक्ष, जो केवल कृष्ण का सुख में सुखी, कृष्ण दुख में दुखी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते यहाँ पर जो श्री मतलब ये क्या, बोले राधा रानी की जो पाल्य दासी रूप में रहते हैं, जो केवल राधा जी के सुख में दुखी सुखी, राधा जी के दुख में दुखी जो रहने वाले हैं, मतलब इसका मतलब क्या, कृष्ण को नहीं मानते, बोले ना मानते हैं, लेकिन जो राधा जी की अनुगत्य में जो लोग सेवा करते हैं, क्योंकि राधा रानी को पूर्ण रूप में पता है कृष्ण को हम प्रसन्न कैसे करेंगे, क्यों, राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है, जैसे उदाहरण देती हैं, जैसे अब घर में पति पत्नी हो, पति पत्नी है, अभी पति को क्या प्यारा है, किसको सबसे ज्यादा पता होता है, बोला पत्नी को, क्योंकि वही सेवा करती है,
उनको मीठा अच्छा लगता है, ना खट्टा अच्छा लगता है, ना नमकीन अच्छा लगता है, ये पत्नी को हर चीज़ पता, क्योंकि वही उनकी सेवा करती है। उसी तरह राधा रानी को पूर्ण रूप में पता है कृष्ण को सुख कैसे मिलेगा। इस राधा जी की अनुगत्य में जब हम सेवा करेंगे तब कृष्ण की हम पूर्ण रूप में हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं उन्होंने राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के सच्चिदानंद श्री गौर हरि रूप में उन्होंने कलयुग में श्री महाप्रभु रूप में आए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, बोले उमा दीदी की। इसलिए इन्होंने ये चीज को, इसलिए हम लोग ने इसको सुन करके उनको चेयर में बैठ जाओ, इसलिए उन्होंने हम लोगों ने इसको बात को, हमने ये चीज को कल हम लोगों ने श्रवण किया था। इसका जो विस्तृत व्याख्या, बहुत विस्तृत व्याख्या है, इसलिए रूपानुगत्व में जब कोई श्री रूप मंजरी की अनुगत्य करते हैं तभी ये सेवा जीव को प्राप्त हो सकता है। वो क्या सेवा है, रघुनाथ दास गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ है, हैं, जिसका नाम है विलाप कुसुमांजलि। विलाप मतलब होता है कृष्ण विरह में रोना, कुसुम मतलब होता है फूल, अंजलि मतलब होता है अंजलि हाथों में। जैसे हम ठाकुर जी के चरण में एक एक फूल देते हैं ना, ऐसे ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक एक श्लोक को एक एक फूल रूप में श्री राधा रानी के चरण में उन्होंने अर्पण किया है, हैं, एक एक श्लोक को एक फूल रूप में, अद्भुत ग्रंथ है, हैं, कैसे ये जो मंजरियां कैसे श्री राधा रानी की कैसे सेवा करती हैं, हैं, ये सेवा कितना दुर्लभ वस्तु है, वहां पर बहुत रूप में अच्छी तरह से वर्णन किया। कभी ये हो गया जो गौण में साधारण कार्य में ये मुख्य है, अभी जो मुख्य में है, जो मुख्य में फिर एक मुख्य में एक मुख्य है और मुख्य में एक गौण है, समझ रहे कि नहीं। जो मूल कारण में एक मूल से मूल कारण है और जो मूल से एक साधारण कारण है, कहते वो कारण क्या है, कहते वो कारण बताया श्री अद्वैत आचार्य। श्री अद्वैत आचार्य जब उन्होंने हैं अच्छे तरह से आप लोग सब सुना, कल जो बोलेगा उसको प्राइज मिलेगा सब, ठीक है ना, इसलिए अच्छे तरह से सुना। थोड़ी थोड़ी बच्चे लोग एक पेन कागज ले आना, उसको थोड़ी 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 लिखोगे ना, हैं, थोड़ी थोड़ी लिखोगे तो थोड़ी थोड़ी याद रहेगा, फिर बोल सकते हो, फिर तुम्हारे नाम पर भी ताली बजेगी, ठीक है ना। इसलिए हाँ सुन लो, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले, अभी महाप्रभु जगत में आएंगे, हम एक महाप्रभु का एक नाम सुना था विश्वम्भर, क्या नाम सुना था, विश्वम्भर नाम क्यों पड़ा था, कौन बोलेगा हाथ उठा, बोलो किस लिए विश्वम्भर नाम पड़ा था, बोलो। उनके आने से पहले इस जगत में जितने भी पेड़ पौधे सब पे फल आ गए थे, पूरी धरती अन्न धन से परिपूर्ण हो गई, हाँ, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी भगवान आएंगे, हैं, इसलिए ये पृथ्वी, जैसे पति आने से पहले पत्नी क्या करती है, बड़ी सुंदर श्रृंगार करके, पति आ रहे ना, हैं, बड़े षोड़श श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके पति को सामने जाती हैं, उसी तरह महाप्रभु आने से पहले ये पृथ्वी पूरा अन्न धन से पूरा भर गई थी, हैं, कहते ये एक कारण। दूसरा कारण है उनने भक्ति को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को भरण पोषण किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया विश्व भर नाम पड़ा। अभी महाप्रभु आने से पहले पृथ्वी इतनी सज धज गई, हैं, मेरे पति आ रहे हैं, मेरे परम पति आ रहे हैं, एकदम हरा भरा हो गई, फल फूल पत्ते से सुंदर रूप में सज धज गई, लेकिन सब कुछ तो था लेकिन जगत भक्ति शून्य था, भगवान की भक्ति कोई नहीं करते थे, ये एक दुख का विषय था। जिसको पास में ज्यादा पैसा होता था वो क्या करते थे, विश्वहरि मतलब दुर्गा पूजा में, अभी भी बंगाल में हम सुने होंगे, कलकत्ता में अभी क्या नवमी गई ना, क्या नवमी, नवरात्रि गई, आप सोच नहीं सकते, दस दस मंजिली, नौ नौ मंजिली, आठ आठ मंजिली वहां पर डेकोरेशन करके काली माता को पूजा करते हैं, हजार लाख करोड़ रुपया पूजा करते हैं, हैं। और अभी दो दिन पहले मैंने फोन किया था नवद्वीप में, वहाँ मंदिर पूरा दरवाजा बंद, काली का रास करते हैं और शराब पी करके और मांस खा करके ड्राम बजाते हुए, और अब सोच नहीं सकते, सब दरवाजा सब बंद कर देते, हमारा मंदिर सब बंद कर देते उस दिन,
इसलिए कहते इतने पैसा उल्टा पुल्टा, जिसको पास में ज्यादा पैसा और क्या करते थे विषहर में दुर्गा पूजा में लगाते थे। अभी जैसे होता है ना अभी क्या रात को देवी की पूजा करते हैं जागरण जागरण जागरण, ये 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 हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, कहते मथुरा में ये कौन ये 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 चंडी की पूजा है वहाँ पर कंकाली देवी है, बोले ये कंकाली का पूजा कौन करता था मथुरा में, बोले कंस करता था। कौन करता था? कंस कंस करता था। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे है जो नवरात्रि सब कौन कर रहे हैं, बोले कंस कर रहे हैं। बोले पहले कहाँ था आप कुछ दिन पहले देखो, ये कभी नवरात्रि की पूजा कोई उसमें जो नव क्या उसमें नवरात्रि नहीं उसमें क्या जो देवी की जागरण कुछ होती थी, कुछ नहीं होती थी। गुरुदेव कहते थे मथुरा में सबके सब कृष्ण भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, सबके सब कृष्ण भक्ति करने वाले हैं। इसलिए कहते उसी समय भी ऐसे हैं लोग करते थे। अगर जिसमें ज़्यादा पैसा होता था फिर क्या करता था, बिल्ला बिल्ली, एक बिल्ली की तरफ में और एक बिल्ला की तरफ में, कुत्ता कुत्ती, बंदर बंदरी में दो पार्ट करके, जैसे लड़का लड़कियों में लाख रुपया खर्चा करते हैं ना, ऐसे ही इतने पैसा खर्चा करते थे, इतने पैसा खर्चा करते थे और इससे पैसा को व्यय करते थे इसी चीज़ में, लेकिन भगवान की भक्ति भजन पूजा में कोई इसमें नहीं लगाया करते थे। फिर जो बड़े बड़े पंडित भी होते थे वो गीता भागवत भी पढ़ते थे, लेकिन पढ़ने पर भी लेकिन करते थे क्या, बिना कारण से तर्क वितर्क केवल करते थे, गीता भागवत को लेकर तर्क वितर्क करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति कोई नहीं करते थे, ठाकुर का पूजा सेवा कोई नहीं करते थे। इतने में श्री माया के द्वारा मोहित होकर करते थे। इतने में श्री अद्वैत आचार्य आए। जब अद्वैत आचार्य आए इन्होंने ये सब चीज को देखा, देख करके इतने दुखी हो गए, बोले हे भगवान कोई भगवान के नाम कीर्तन कहीं है ही नहीं और उल्टा पुल्टा चीज में पैसा को व्यवहार कर रहे हैं। पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी तो नारायण की, जब पैसा ठाकुर के सेवा में लगेगा तभी वो पैसा की सार्थकता, लेकिन देखो ये पैसा को कैसे उल्टा पुल्टा काम में कैसे लगा रहे हैं पैसा को हैं, गंदी गंदी काम पर, उनको देख करके बड़ा दुख हुआ। कभी कभी इनके मन में बड़ा क्रोध आता था हैं, क्रोध आता था। क्यों क्रोध आता था, कारण किया, कहते ये सब ये अद्वैताचार्य जो कौन है, बोले ये सदाशिव, ये सदाशिव और ये महाविष्णु। कहते ये महाविष्णु कौन है जो जगत को सृष्टि करते हैं। इसलिए नियम होता है ना, जैसे आप बच्चों का जन्म दिया, लेकिन बच्चे अगर नालायक हो जाए, आपका बात नहीं सुने, पिता माता की प्रणाम नहीं करे, पिता माता की सेवा नहीं करे, आदर से पालन नहीं करे, तो पिता माता घुसा करते कि नहीं, करते कि नहीं पिता माता। अगर कोई बच्चा अगर अच्छा आज्ञाकारी हो, पिता माता की चरण छूता है, पिता माता के बात पिता खुश होता है, बेटा अच्छा बेटा है। इसलिए ये अद्वैत आचार्य सदाशिव महाविष्णु है, इसलिए जिन्होंने ये जगत को सृष्टि किया। जब सृष्टि नियम है, जिस बच्चे को जन्म देते हैं पिता माता का क्या कर्तव्य है, बच्चों को लालन पालन करें, उसको लिखाई पढ़ाई सिखाई लालन पालन कर अच्छे बच्चा बने। हर पिता माता चाहते ना हमारे बच्चे अच्छे बने हैं, अच्छे बने, लेकिन अगर बच्चा अगर बिगड़ जाए तो पिता नाराज होते हैं। इसलिए जो महाविष्णु जगत को सृष्टि करने वाले, इसलिए इनका कर्तव्य है बच्चों को पालन करना, लेकिन बच्चे पालन क्या करेंगे, बच्चे सब उल्टा रास्ता पर जा रहे हैं, इसे वो उल्टा रास्ता पर जा रहे हैं, कोई पिता माता की बात नहीं सुनते, ठाकुर का भजन पूजा भक्ति नहीं करते। इसको देख करके अद्वैत आचार्य को तो बड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं अगर ये भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना, मैं सुदर्शन चक्र लूंगा, बुलाऊंगा ये सब के सब को, मैं मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा है। इसलिए अद्वैत आचार्य ने देखा अभी इनका कल्याण कौन कर सकता है, बोले अगर स्वयं कृष्ण अगर इस जगत में आए फिर ये जगत को उद्धार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है अद्वैत आचार्य तो सदाशिव है और कलियुग का युग धर्म क्या हरिनाम संकीर्तन, कहते वो भी तो जगत में हरिनाम प्रचार कर सकते थे, वो भी तो जगत में विष्णु है ना, जगत में हरिनाम संकीर्तन प्रचार कर सकते थे। फिर वो सोच रहे हैं फिर महाप्रभु को क्यों बुलाने के लिए क्यों सोच रहे हैं, इसका कारण बताए। कहते ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग है, ये कलयुग हर समय नहीं आता है, ये कलयुग ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग बीतने का बाद एक बार ये कलयुग आता है,
और ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु इसी कलयुग में आते हैं, हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते हैं। और महाप्रभु आकर के क्या देते हैं, ब्रह्मा नारद शिव उद्धव लक्ष्मी जो प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु आसानी से वो प्रेम को दे देते हैं। अगर कोई महाप्रभु का चरण आश्रय ग्रहण करे करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। केवल थोड़ी भगवान के नाम को जप कर ले हैं, और केवल चार नियम का पालन करते हुए भगवान का थोड़ा नाम जप कर दे, बस इसी में ही उन्होंने बड़ा दुर्लभ प्रेम को प्रदान कर देते ब्रह्मा की। एक दिन में एक बार आकर के महाप्रभु वो ब्रज प्रेम को प्रदान, राधा रानी की दासी भाव को प्रदान करते हैं। लेकिन ये चीज कौन दे सकता है, केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु दे सकते, ये महाविष्णु नहीं दे सकते। इसलिए उनने सोचा महाप्रभु को मैं अवतीर्ण कराऊंगा। लेकिन उनको अवतीर्ण कैसे कराए, तो उनने सारे शास्त्र को ढूंढे, शास्त्र को ढूंढे, भगवान को खुश करने के लिए सबसे सरल उपाय किया। तब उन्होंने जब शास्त्र को ढूंढते ढूंढते उनको एक श्लोक मिल गई। कौन सा श्लोक मिल गई, कौन को किसको याद है, बोलो हाँ जोर से बोलो, जोर से हाँ बोलो, हाँ हाँ देखो ललित को देखा पास हो गया, ताली बजा ललित का नाम। देखो अनपढ़ व्यक्ति पास हो गया, सब पढ़े लिखे सब फेल हो गए। हाँ इसलिए कहते ये श्लोक है ये श्लोक, बोले तुलसी दल मात्र न जल से चुलुक न विकृणीत स्व आत्मन्य भक्तभ्यम भक्त वत्सल। ये श्लोक बोले इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक हाथ से एक गंडूस गंगा पानी ले ले हैं, एक अंजलि भर गंगा पानी और उसमें एक तुलसी दल दे दे, दे करके अगर भगवान को कोई अर्पण करता है, भगवान को कोई प्रदान करते हैं, भगवान तुलसी और गंगा पानी को द्वारा इतने बिक जाते उसको पास में, जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा ऋणी ग्रस्त हो जाता है ना, ज़्यादा पैसा किसी के ऋणी हो गया, वो क्या करता है अपना सर को खुजलाता है, भैया इसका ऋणी कैसे चुकाऊंगा, उसका ऋणी कैसे चुका, सर को खुजलाते हैं। इसलिए ठाकुर जी सर खुजलाना शुरू कर देते, भैया उसने मेरे को गंगा पानी और तुलसी दिया, उसका ऋणी को मैं कैसे चुकाऊंगा, ठाकुर सोचने में पड़ जाते हैं। कहते भैया इसमें है क्या चीज़, बोले गंगा जल क्या है, ये साक्षात ठाकुर जी की चरणामृत है। ठाकुर जी की जब भगवान की एक चरण ब्रह्मांड कटाव को भेद करते हुए जब गया, कहते ब्रह्मांड कटाव को भेद करके जब गया वहाँ से गंगा, और जब भगवान की चरण ब्रह्मलोक में पहुँचा ब्रह्मा जी, भगवान के चरण को अभिषेक करके उन्होंने कमंडल में भर कर रख दे, वही गंगा देवी है हैं। इसलिए जिस गंगा देवी को शंकर जी क्या करते हैं, अपना जटा में शंकर जी धारण करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं बोले महाप्रभु गंगा निकट, कहते हैं बोले प्रेम रस स्वरूप तुम्हार दिव्य जल, महाप्रभु कह रहे हैं, कहते गंगा पानी क्या, बोले प्रेम रस स्वरूप तुम्हार स्वरूप शिव जे तुम्हार तत्व जाने न महत्व, शंकर जी जानते हैं गंगा जी का महत्व क्या है। इसलिए सकृति तुम्हारे नाम करी ले श्रवण, अगर कोई गंगा को एक बार अगर उनका नाम सुन लेता है ना, क्या होता है तार विष्णु भक्ति है कुट की पुण्य भक्यान, कहते केवल उनका नाम स्पर्श करते ही विष्णु भक्ति होता है। अगर कोई भक्षण करे, अगर कोई आचमन करे, उसका महिमा हम क्या बता सकते हैं, बोले तुम्हार प्रसाद से कृष्ण है न नाम स्फुर जिबेर मुखे इथे ना ही यार, भगवान की गंगा की कृपा से जिहा पर भगवान का नाम की स्मरण होता है। इसलिए महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जा रहे थे बड़ी दूर तक गए, कहीं भी कृष्ण गोविंद नाम नहीं मिला सुनने को, लेकिन जब महाप्रभु कुछ दूर गए एक बच्चा ने हरी बोल, महाप्रभु बोले इतना दूर से आया एक बार भी हरि का नाम सुनने को नहीं मिला, यहाँ पर बच्चे हरी बोल कैसे कर रहे हैं।
फिर पता चला पास में गंगा बह रही है, वो गंगा की हवा में इतने शक्ति है, गंगा पानी की अगर हवा लग जाए ना बस भक्ति मिल जाती है। इसलिए आपका नहर इसमें तो कचरा पचरा डाल दिए हैं, लेकिन इसमें गंगा पानी बह रहे थे ना, हम भी आचमन लेते थे इसमें, पता नहीं इसको कब साफ कराएंगे हैं, इसलिए बन रहा है ना। हाँ, इसलिए देखो जो गंगा पानी जो बह रहे ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं। देखो यहाँ पर स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं, जहाँ गंगा पानी बहती है केवल उसका हवा लग जाए, जैसे तुम लोग यहाँ आसपास में रहते हो, यहाँ पर यमुना गंगा है, तुम लोग गले में कंठी तिलक माला क्यों लगाते हो, कारण क्या है, लोग के अंदर में भावना क्यों, ये गंगा यमुना पास में, यहाँ पर कह रहे हैं केवल उसकी हवा अगर इसको शरीर में लग गया ना, उसका कल्याण हो जाता है, है? उसको कल्याण हो जाता है। इसलिए कहते कीट पक्षी श्रीगाल कुकुर यदि है, यहाँ पर कहते हैं अगर कोई कीड़े मकोड़े सियाल भी कुछ कोई भी हो, तथापि तुम्हार यदि निकट बस है, अगर वो व्यक्ति तुम्हारे पास में बैठ रहा है, हाँ तुम्हारे निकट बस है, उसमें क्या होगा, कहते उसको अंदर में कृष्ण भक्ति की भावना संचार हो जाती, कृष्ण भक्ति। इसलिए गंगा जो पास में बह रही है ना, बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसलिए लोग कल्पवास करने के लिए जाते हैं, कहाँ पर, प्रयाग में जाते हैं, एक महीना वास करने के लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऋषिकेश में जाते हैं और प्रयाग में जाते हैं, और यहाँ पर गंगा अपने आप यहाँ बह रही है, केवल गंगा को दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, केवल इसका हवा लग जाए तो कल्याण हो जाएगी, इतने गंगा की महिमा। इसलिए और जो तुलसी, तुलसी कौन है, तदीय वस्तु, कहते ना वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई के सबस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमन। इसलिए जो तुलसी देवी ये कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम को देने वाले, और जो तुलसी है, तुलसी वृक्ष है, कहते ये हमारे 10 तरह से कल्याण करती है, हैं कितना तरह से, कैसे कैसे कैसे, बोले दृष्टवा, अगर तुलसी को कोई दर्शन कर लिया, इसलिए सबके घर में तुलसी है कि नहीं, घर में तुलसी, इसलिए अगर कोई तुलसी को दर्शन कर लिया बस कल्याण हो गया। दरसे परसे अघनाश ही, दर्शन और स्पर्शन से थारे पाप को ये नष्ट कर देती है। इसलिए दृष्टा स्पर्श, अगर स्पर्श कर लिया, जैसे गले में हमें कंठी धारण करते हैं, गले को स्पर्श करता है दृष्टा तथा ध्याता, अगर तुलसी को अगर कोई ध्यान करे, रोपिता, अगर तुलसी वृक्ष को जो बोते हैं, कर जो तुलसी वृक्ष बोते हैं मानो हृदय में कृष्ण भक्ति को बोते हैं, नमिता जो हम रोज तुलसी को प्रणाम करते हैं, हैं श्रुता जैसे उसकी महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं, कहते पूजिता जैसे तुलसी को हम आरती करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं। इसलिए तुलसी कौन है, कहते साक्षात जो वृंदा देवी गोलोक वृंदावन में रहती हैं, उसी ने ही जीव का कल्याण करने के लिए उन्होंने ये तुलसी वृक्ष रूप में आई, तुलसी वृक्ष रूप में आई, साक्षात भगवान की प्रिया साक्षात लक्ष्मी हैं, हैं बोले छापान भोग छत्रिस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी, जो कुछ ठाकुर को भोग लगाओ जब तुलसी नहीं देते हो कभी ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं। देखो तुलसी की महिमा सुन लो, जिस समय कुरुक्षेत्र में सूर्य पूरा सूर्य ग्रहण हुआ, कृष्ण का समय में भगवान के समय में पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ, और सूर्य ग्रहण में सबके सब कुरुक्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, वहाँ भीष्म 5 कुंड है ना वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर जाकर के स्नान करते हैं। आप लोग गए कि कुरुक्षेत्र गए स्नान किए ब्रह्मकुंड में, ब्रह्मकुंड में स्नान किए हो, कोई नहीं गए, हाँ इसलिए एक बार सबके लिए चलेंगे, ठीक है। इसलिए ब्रह्मकुंड में जाकर के स्नान करते हैं, उसमें बड़ा पुण्य है, उसमें सारे लोग आए थे, हैं ब्रजवासी भी गए थे, द्वारका से भी आए थे, सबके सब आए थे। जब आए थे वहाँ पर नियम है, ब्रह्मकुंड में स्नान करने का बाद जब सूर्य ग्रहण में ब्रह्मकुंड में स्नान करना, स्नान करके क्या करनी, बोले साधु संतों को दान देना पड़ता है, दान पुण्य करना पड़ता है। इतने में नारद बाबा भी आए, नारद जी रुक्मिणी को सत्य भामा को बोले देखो नियम है स्नान के बाद में साधु संतों को दान देनी चाहिए, ऐसे नहीं घटिया चीज दे दो, जो नोट चलता नहीं वही नोट चला दो, हाँ ठाकुर के बाक्स में डाल दो, बोले नहीं भगवान को बढ़िया चीज दो। इसलिए हमारे जो गुरु जी थे ना, हम जब परिक्रमा में जाते थे, हमारे जो गुरु जी नारायण गोस्वामी महाराज जब मंदिर में देते थे, फटा फूटा नोट नहीं देते थे, एकदम पूरा एकदम नई नोट को पूरा है, हमारे राहुल जैसे देता है इस बार लेकर गए था, हाँ हाँ इसलिए पूरा नए नए नोट को
हैं देते, क्योंकि ठाकुर को जितना दोगे ठाकुर बदला करके दे देते ना। सुदामा दिया दो मुट्ठी, भगवान त्रिभुवन का राज्य दे दिया ठाकुर जी, ठाकुर को दो तो ठाकुर जी ब्याज समेत ठाकुर जी वापस देते हैं। इसलिए बोले देखो बढ़िया चीज देनी चाहिए भगवान को। रुक्मिणी सत्यभामा को बोले, बोले हमारे बढ़िया तो कृष्ण ही, कृष्ण को सबसे हम प्रेम ज्यादा कृष्ण को करते हैं, तो फिर बढ़िया चीज दो। तो उन्होंने संकल्प किया और कृष्ण को उन्होंने नारद जी को दान दे दिया। रुक्मिणी जब दान दे दिया, नारद जी ने कहा देखो मेरे को तुम लोगों ने संकल्प करके दान दिया, जब दिया अभी मेरा चेला बन गया, अरे मैं तो रमते जोगी बहता पानी, हम तो घूमते रहते हैं, हम लेकर के चले को जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता, दान दे दिया ना, अब मेरे को जो दान दिया तो मेरा ही हो गया ना। इसको लेकर के ऐसे मुड़ मुड़ा करके चोटी रख करके कृष्ण की हाँ चोटी और गौरी को वस्त्र पहना करके अभी हमारे साथ में गुरु जी के साथ में घूमेगा, भिक्षा मांगेगा। बोले नहीं नहीं हम तो कृष्ण के सिवाय रह ही नहीं सकते। बोले और एक उपाय। बोले क्या? बोले कृष्ण का विनिमय में हमें सोना तोल करके दे दो। बोले हाँ ये तो कर सकता हूँ हैं। तब एक तराजू लाए, कृष्ण को एक तरफ में बैठा दिया और इतने में रुक्मिणी पहले जो माताएं हैं ना पूरा सर से लेकर प्यार तक पूरा गहना पहना करती थी, 10-10, 20-20 किलो का गहना पहनती थी पहले, माताएं सब पहनती थी पहले। देखो पुराना जमाने का हवा ना, पुराना का सब हमारे ट्रेजरी में सब चोर की डर से भी कोई नहीं पहनते, लेकिन जब शादी होता है ना एक दिन ही निकालते ना, निकालते ना शादी में, इसलिए पहनते एक दिन निकाल करके। अभी पूरा उन्होंने उतार करके एक तरफ में धर दिया। जब धर दिया और कृष्ण तो टस मस नहीं हो। अभी तो नारद बोले भैया फिर तो चले को साथ में लेकर चल रहा हूँ। अभी रुक्मिणी तो इधर उधर झांकने लग गई, सत्यभामा पास में थी, वो समझ गई। सत्यभामा ने अपना पूरा श्रृंगार को उतार करके उन्होंने रख दिया, लेकिन टस मस नहीं हो। पर इधर उधर झांके, वहाँ काली देवी थी, काली देवी सारे श्रृंगार उतार कर रख दिया, लेकिन भगवान की बराबर थोड़ी कुछ कर सकते हैं। मित्र बंदा भी थी, वहाँ लक्ष्मणा भी थी, सारे को सारे उतार उतार कर रखे, लेकिन टस से मस ही नहीं हो। इतने में बोले भैया क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए। नारद गत देखो बराबर सोना नहीं दोगे तो हम चेले को लेकर साथ में जाऊंगा, अभी क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए। फिर तो चिंताएं बढ़ गई। उनको पता चला ये राधा रानी भी वृंदावन से, राधा रानी भी आई है, ये सब के सब श्री राधा रानी की शरण में गए। राधा रानी को बुला कर बोले तुम ही कुछ व्यवस्था कर सकते हो। राधा रानी बोले एक काम करो, सारे अलंकार को निकालो और एक तुलसी पत्ता लाओ, तुलसी पत्ते में अपना आंखों का आंसुओं से कृष्ण नाम को तुलसी पत्ता में लिख करके जब तराजू का एक तरफ रखे ना, हे कृष्ण एकदम हल्का हो गई और वो तराजू नीचे हो गया। बोले से तुलसी महारानी की, बोले कृष्ण नाम की। इसलिए ये तुलसी में इतने शक्ति है जो कृष्ण को भी हल्का कर देती है। इतना वजन तुलसी में, तुलसी क्या करती है कृष्ण को भी हल्का कर देती, इतने शक्ति। इसलिए कहती जो तुलसी है कि तुलसी जब गंगा जल तुलसी अगर भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं सुतिया अच्छन खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग है लमोर नाड़ा रंकारे। मैं तो खीर समुद्र में सो रहा था लेकिन ये अद्वैत आचार्य जो ऐसे पुकारा मेरे आसन को भी सुने, हिला दिया मेरे आसन को और उनकी वजह से मैंने जगत में आना पड़ा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई कृपा, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य सबसे आइल प्रिया द्वैत चंद्र चल रारा राम रामन। यह उदाहरण देते हैं हुडू हुडू शब्द आइल श्री अद्व चंद्र। हुडू हुडू मतलब जैसे बारिश बारिश कुछ नहीं है, हटा देखना आकाश में काली आंधी आ जाती है, एकदम आंधी तूफान आकर के एकदम आकाश हो जाता है काली काली, एक कहाँ से बारिश हुड़ हुड़ करके हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हो, हुड़ हुड़ को हटा, हुड़ हुड़ को क्या बोलते हो, हठात करके जैसे आ गया
वो आ करके सबको पानी में भिगा करके चला गया। कहते ऐसे ही श्री अद्वैत आचार्य अचानक जैसे श्री अद्वैत आचार्य आए और प्रेम रस धारा को लेकर के उन्होंने आए और उन्होंने किया क्या, प्रेम को द्वारा सबको भिगा करके उन्होंने चले गए। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य कौन है, बोले गौर आना ठाकुर, जिन्होंने इसी जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु को लेकर के इसी जगत में आए हैं। बोले श्री अद्वैत आचार्य की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। कल सबको याद रहेगा ये बात, हम देखेंगे जिसको जो कल बोलेगा ना उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। सबके सब याद करके आना, आज जितना सुना थोड़ी बहुत याद करके आना। और हमारे हाँ ये हमारे क्या नाम, श्रीधाम प्रभु जी, श्रीधाम प्रभु जी नहीं क्या प्रभु जी उसका नाम पीछे श्यामानंद महाराज, हाँ कही वो ये महाप्रभु जगत में क्यों आए, और पाँच मिनट दे दो है समय ना, हाँ चल खड़े हो जाओ, ये थोड़ी सी बोलेंगे। ये महाप्रभु जो जगत में आए इसका जो मुख्य में जो मुख्य कारण है ये बोलेगा, आ जाओ इधर, और जो आ जाओ इधर देखो देखो, मैं जो अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु का कथा हम कर रहे हैं ना, हम सोच रहे थे महाप्रभु का कथा सुनाए, लेकिन हम सोच रहे हैं जो बच्चों को ये भागवत खड़े हो, ये बच्चों को हम सोच रहे हैं भागवत इनको सिखाए, क्योंकि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी बूढ़ा हो गया तो सब जगह में जा नहीं पाता हूँ। हम सोचते हैं ये बच्चे लोग भी सीखे और सब जगह में भगवान की कथाओं को ये प्रचार करे। इसलिए मेरे को शायद 25 तारीख को ना 26 तारीख को 24 को मेरे से जाना पड़ेगा जयपुर, वहाँ पर 25 तारीख में कथा भागवत कथा है, हैं फिर उसके बाद में कहीं कहीं कथा इधर उधर है आ रहे हैं। इसलिए हम चाह रहा हूँ हम रहते रहते मैं कोशिश करता हूँ ये बच्चों को कुछ कुछ हम सिखा करके जाए। इसलिए हम सवेरे जैसे भागवत कथा करता हूँ सवेरे में, इसलिए और मैं सोचता हूँ शाम को जो दशम स्कंध है भागवत का, जो दशम स्कंध है उसको मैं सुनाऊँगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, दो टाइम अगर होगा थोड़ी होगा, ये बच्चे लोग धीरे धीरे कुछ सीख जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जल्दी जल्दी इनका कोर्स को हम चाहता हूँ जितना दिन रहो इनका कोर्स को धीरे धीरे पूरी कर दो, थोड़ी बहुत ये लोग सीख जाए। हाँ ये इसको हम अभी चैतन्य भागवत चैतन्य चिंता मिलते हैं इसको, फिर हम जब फिर दो बार आऊँगा जयपुर में खत्म करके, फिर दो नहीं अभी तो जब दूसरा बार कभी आऊँगा फिर हम जब दूसरा बार आऊँगा फिर इन्हें चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत इसको सुनेंगे, महाप्रभु का कथा सुनेंगे। लेकिन हम चाहते हैं इनको थोड़ा बहुत हम सिखा दें भागवत कथा, तुम लोग भी थोड़ी बहुत सीख लेना, ठीक। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, एनी एक्शन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा श्रीमद् भक्ति वेदांत सतीन्द्र गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग नमन प्रणाम करूं। तत्पश्चात परम गुरुदेव निखिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज निखिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण साष्टांग नमन प्रणाम करूं। जय हित कृपा वंश करते हूं स्वपार्थ प्रभुपाद रूपानुभव गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर समस्त प्रणाम करके उनका हित की कृपा वंश करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी के चरण में गुरु जी के कुछ आदेश थे कि महाप्रभु के विषय में कुछ बताए। जो महाप्रभु का है जिसके लिए बताया गया है महाप्रभु कौन है, स्वयं राधा कृष्ण का मिली स्वरूप है और से अनंत देव भी अनंत काल तक इनके महिमा को वर्णन कर नहीं पाते। तो जब हमारे श्री हरिवास कीर्तन से सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि अनंत जो
नाग है, अनंत स्वरूप है, वो क्या करते हैं ना, बहुत अनंत काल से इनका गुणगान करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, फिर भी उनका गुणगान कभी खत्म ही नहीं होता। तो हम जैसे बता जी उनका गुणगान कैसे करते हैं, लेकिन गुरु वैष्णव का कृपा है कि चाहे इस जो महाप्रभु का भाव है, रूपा का विचार था रहे, उसमें कुछ हम पर केवल स्पर्श ही कर रहे हैं। अब जो महाप्रभु है इनको सारे शास्त्र में बताया गया है कि ये पूर्ण स्वरूप है। अब जैसे पता चलता है कि कृष्ण को सारे शास्त्र में पूर्ण बताया गया है, अब कृष्ण को सारे शास्त्र में पूर्ण कहने पर भी कृष्ण का कुछ इच्छा रहेगा। अब कृष्ण का क्या इच्छा है ना, जिसका इच्छा रह गया हो तो कभी पूर्ण ही नहीं हो सकता। अब इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण का जो इच्छा है वो क्या है ना, एक हमारे गुरुजी बड़े अच्छे कथा सुना करते थे परिक्रमा के समय पे, कि एक समय प्रेम सरोवर पे कृष्ण के आगे है ना राधा रानी पे गोद पे लेटे हुए हैं, और इतने समय पे उस समय वहां पे घमरा आ गया, और उसी बीच में कृष्ण ने मधुमंगल की तरफ इशारा करके बोल दिया कि भमरा को यहाँ से भगा। तब मधुमंगल ने बस इतना ही बोल दिया कि मधुसूदन चले गए। अब इतना सुनते ही मधुसूदन चले गए, बस इतना सुनते ही कृष्ण राधा रानी जो है और उनके गोद में जो कृष्ण है, तो इतना सुनते ही राधा रानी क्या हुए ना, प्रेम से मूर्छित हो गए। अब ये क्या दशा था, अब ये कृष्ण भी सोच नहीं पा रहे कि ऐसा राधा रानी का कौन सा ऐसा एक दशा है जो वो क्या कर रहे हैं ना, स्वयं कृष्ण उपस्थित होने पर भी वो राधा रानी क्या कर रहे ना, उनके विरह में मूर्छित हो रहे। अब इसी भाव को स्वयं भी वो सोचने पाए, फिर बाद में जब राधा रानी का मूर्छित भंग हुआ वो देख के पूरा आश्चर्य हो गए। अब यहाँ पे कृष्ण को सारे शास्त्रों में पूर्ण बताया गया, पूर्ण ब्रह्म सनातन, पूर्ण होने पर भी इनका कुछ इच्छा रह गया। अब क्या इच्छा रह गया बता रहे हैं कि अब इन्होंने राधा रानी को प्रार्थना किया कि हे राधिके, कि मैं आपके पास अभी उपस्थित हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके पास अभी उपस्थित नहीं हूँ, मैं यहाँ पे होने के बावजूद भी आपको क्या हुआ ना, मेरे जो नाम श्रवण मात्र से कि मधुसूदन चले गए, इतना सुनते ही आपको विरह हो गया। तो वो जो प्रेम, वो जो राधा रानी जिस भाव को आस्वादन करते, वो प्रेम किस प्रकार का है, और आप मुझे क्या करो ना, अपने अंग कांति दो, और वो प्रेम आस्वादन के धर्म करने के लिए मुझे अपने रूपा रूपी शक्ति का मेरे हृदय में संचारित करो। अब यहाँ पे राधा रानी क्या किए ना, ऐसे कृष्ण के मन में जो इच्छा को देख के स्वयं राधा रानी क्या करते हैं ना, अपने अंग कांति और अपने भाव को स्वयं कृष्ण को प्रदान करते हैं। अब राधा रानी बोल रहे हैं कि इसके लिए आपको गुरु करना पड़ेगा, कि वैसे जैसे हम आप मान लोगे हम दे देंगे ऐसे नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, विशेष रूप में गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। तो स्वयं गदाधर पंडित क्यों आते हैं, हमारे प्रभुपाद बताते हैं कि गदाधर पंडित इसीलिए आते हैं कि कृष्ण को प्रेम जो महाप्रभु उनके आए हैं, वो प्रेम को ठीक ठीक रूप में आस्वादन कर रहे हैं कि नहीं, निरीक्षण कर रहे हैं कि नहीं। अब मानो कि राधा कृष्ण का मिलित तन कौन है, राधा रानी ने अपने अंग कांति दे दिया कृष्ण को, अब कृष्ण महाप्रभु रूप धारण करके सचिन गौर हरे हो गए। अब ये गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी को आने का क्या जरूरत था, हमारे गुरुदेव फिर बड़े गुरुदेव बताते हैं कि ये क्या करते हैं ना, सहायक करने के लिए आते हैं, ये देखने के लिए आते हैं कि कृष्ण ये सब प्रेम जो है उसको अच्छे से आस्वादन करते ही नहीं। अब यहाँ पे एक इच्छा के बाद बताया गया कि कृष्ण क्या करते हैं ना, इच्छा किया कि राधा रानी को प्रेम को अच्छे रूप में आस्वादन करेंगे। अब कृष्ण का इच्छा को राधा रानी का पूर्ण सेवा क्या है ना, कृष्ण को सारे के सारे इच्छा को विशेष रूप में उनके इच्छा अनुजाई उनका क्या करेगा, सेवा करे। इसके बीच में हमारे गुरुदेव एक बड़े अच्छे बात बताते हैं कि एक समय हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज किसी को पूरी धाम में परिक्रमा करते करते ले गए तोटा गोपीनाथ पे। तो वहां पे एक फॉरेनर ने गुरुदेव से पूछा कि अरे तो हर जगह तो कृष्ण खड़े हो गए हैं, लेकिन जो जो लोग आप लोग तोटा गोपीनाथ गए होंगे वहां पे देखते हैं क्या ना, कृष्ण पद्मासन में विराजमान है। अब एक वहां का महिमा श्रवण करने के बाद वहां के गुरुदेव ने कथा कीर्तन किया और बताया कि यहाँ पे गदाधर पंडित की सेवा से कृष्ण क्या हुए ना, यहाँ पे पहले खड़े थे अभी बैठे। तो वहां पे एक फॉरेनर ने पूछा कि ये तो बड़े आश्चर्य बात है, व्हाट इज द मिरेकल थिंग्स, ये तो बहुत मतलब आश्चर्यजनक है कि हर जगह कृष्ण खड़े होते हैं लेकिन यहाँ बैठ के।
तो वहां पे गुरुदेव बोलते हैं कि ये कोई आश्चर्य चीज नहीं है। कैसे नहीं है? तो वहां पे गुरुदेव राधा रानी का जो विशेष इच्छा उसके बारे में विशेष रूप में वहां पे उसका विस्तृत रूप में उसका वर्णन किया। उसको हम नहीं जाएंगे, बस उसका गुरुदेव क्या होता है, गुरुदेव का विचार क्या था, उसको श्रवण करेंगे। गुरुदेव ने क्या बताया ना, गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार यशोदा माता के कृष्ण को क्या के ना रस्सी से बांध दे दामोदर लीला, वो तो एक दिन के लिए हुआ। एक दिन के लिए यशोदा माता क्या करते हैं, कृष्ण को रस्सी से बांध लेते हैं उनके उदर पे। लेकिन जो राधा रानी है वो अपने प्रेम में पूर्ण पूर्ण का पूर्ण हर समय हर क्षण कृष्ण को क्या करते हैं ना, अपने प्रेम के रज्जु में उनको बांध के रखते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है राधा दामोदर। अब गदाधर पंडित कौन है ना, स्वयं राधा रानी। और राधा रानी कृष्ण को कुछ सेवा करने के लिए चाह रहे और उनके राधा रानी का कुछ इच्छा रहेगा और गोपीनाथ जी बैठ गए राधा रानी को भाव को जानेंगे, इसमें कौन सा बड़े बात है। इसलिए ऐसा ऐसा विचार हमारे गौड़ीय सिद्धांत में जब हम उनके अनुगत्य में आते हैं तब ऐसा ऐसा विचार हमको पता चलता है कि वास्तव में ये चीज है क्या। तो कृष्ण को जो इच्छा है उसी इच्छा को हर समय पूर्ण करने के लिए राधा रानी लालायित रहते हैं, तत्परता रहते हैं। अब इसीलिए उन्होंने क्या किया ना, गदाधर पंडित के रूप में आए। अब बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, हे केशव, आप एक काम करो, आपके जो निवृत्त निकुंज रस को जो आस्वादन करोगे इसके लिए आपको सहायक करने के लिए मेरे सखी लोग को ले जाओ। इसलिए उन्होंने ललिता और विशाखा सखी को भेज दिया, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद प्रभु ये गौर लीला की पुष्टि करने के लिए आए। अब कृष्ण का जो वास्तविक मुख्य का जो मुख्य कारण गुरुदेव ने जिसको बताना बताने के लिए बोले हैं वो क्या है ना, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृश बानय आशाद इनादुत मधुरम कीदृश व मध्यम स्वप्न चास्य मद्वनुभवत कीदृश वेदी लोभा। ये तीन चीज बताया कि श्री राधा रानी का जो प्रणय महिमा कीदृश, श्री राधा रानी का प्रणय महिमा किस प्रकार का है जो कृष्ण उपस्थित होने पर भी उसमें क्या करते हैं ना, विरह में भी मिलन और मिलन में भी विरह प्रदान कर देते हैं, वो किस प्रकार का प्रणय महिमा है। अब दूसरा बताया कि राधा रानी किस भाव में जो कृष्ण को कीदृश व मध्यम कि मेरा जो मधुरमा को मैं क्या करता हूँ, कृष्ण कौन है ना, त्रिभुवन जगत में कृष्ण को देख के मोहित हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी को देख के जो कृष्ण मोहित हो जाते हैं, क्या उनका मधुरिमा है, क्या उनको मतलब आस्वादन करने का जो तरीका है उसको आस्वादन करने के लिए भी कृष्ण क्या किए ना, ये भी एक लोग। और तीसरा लोग बता रहे हैं कि कृष्ण को जो सुख प्राप्त होता है, कृष्ण को राधा रानी सेवा करके जो सुख प्राप्त होता है वो सुख वास्तव में कैसा है, तो उसी भाव को आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण ने सचिनंदन गौर हरि रूप में आया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक सेवक है और सेव्य वस्तु है, तो हम क्या करते हैं ना, जो सेव्य भगवान की हम सेवा करते हैं, हम सेवक है। अब हम सेवक भगवान के सेवा करने के पश्चात हमको जो आनंद होता है वो भगवान को तो पता नहीं होगा, वो विशेष रूप में हमको ही पता होगा कि ठाकुर जी के लिए हम आज ये करेंगे, ठाकुर जी के लिए आज वो करेंगे, वो विशेष रूप में हमको ही पता होगा। तो वो चीज क्या है, राधा रानी कृष्ण को सेवा करके कौन सा ऐसा सुख प्राप्त करते हैं कि उसमें विरह में भी मिलन और मिलन में भी विरह का उनको अनुभूति होता है, तो इसी भाव को विशेष रूप में आस्वादन करने के लिए श्रीमन कृष्ण ने सचिनंदन गौर हरि के रूप में आया। अब ये तो मुख्य का मुख्य कारण है। अब अगर हम गौड़ीय वैष्णव के अगर इनके गौड़ीय वैष्णव के पद्धति में और गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांतों के विचार में अगर हम प्रवेश करेंगे तो प्रभुपाद यहाँ पे एक विशेष चीज बतलाए, कैसे प्रभुपाद का विचार क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं ना कृष्ण कौन है ना विषय जाति है, और महाप्रभु कौन है ना आश्रय जाति है। कृष्ण विषय जाति प्रेम है और राधा रानी आश्रय जाति प्रेम है। अब कृष्ण ने क्या किया, रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि कृष्ण लघु भागवत में कि कृष्ण लता पता को भी प्रेम प्रदान किया, इतने दयालु कृष्ण। अब कृष्ण के दयालु को मैं भागवत जी में भी वर्णन करा किया जाएगा कि किंबा दयालु शरण भजे में कि कृष्ण इतना दयालु है कि जिस पूतना ने भगवान को मारने का संकल्प लेके अपने स्तन पे विष दे के भगवान के मुख में विष पान कराया ना, जहर वाला दूध पान कराया, उसको भगवान ने क्या किया ना, धातु चित गति दिया, माता की गति दे दिया, तो ऐसे दयालु कौन हो सकते हैं। और रूप गोस्वामी पाद भी बता रहे हैं कि
कृष्ण क्या करते हैं ना ब्रज में लता पता को जो सांद रस में सेवा करते हैं उनको भी क्या करते हैं ना विशेष रूप में प्रेम प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो कृष्ण बड़े दयालु हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। लेकिन जो 64 गुण है कृष्ण में उसमें एक गुण बदाम में भी है कृष्ण का, लेकिन महाप्रभु का जो रूप गोस्वामी ने स्तुति किया वो क्या है, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि आप क्या करते हो ना महाबदान्य हो। अब यहाँ पे ये जो आश्रय तत्व जो विषय तत्व के ऊपर इसके ऊपर अगर तारतम्य में देखा जाएगा कि कृष्ण किसको प्रेम प्रदान किए, ना केवल ब्रजवासियों को प्रदान किए जो ब्रज में थे और जो शांत रस में ऑलरेडी उनको सेवा करते थे और जो सखा सके उनके नित्य सहचर सहचरित थे उनको ही प्रदान किया। ब्रज से बाहर कृष्ण ने किसी को प्रेम को प्रदान नहीं किया। प्रेम के मामले में कृष्ण बड़े तोल जोल के पूरा पूरा प्रदान करते हैं, किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम नहीं, उसने ही मात्रा में उनको प्रदान करते हैं। जो शांत रस के जो साक्ष्य रस के जो सेवक है जो पांच रस है ब्रज में शांत दास्य वात्सल्य साक्ष्य और मधुर, जो साक्ष्य रस में जो शांत दस है शांत रस है तो उसमें क्या करते हैं ना जो शांत रस का जो विशेष गुण वो क्या होता है ना निष्ठा, तो उसको उतनी मात्रा में कृष्ण क्या करते ना उतना ही प्रेम प्रदान करते हैं। अब उससे ऊपर थोड़ा उठ जाए शांत से ऊपर क्या है ना दास्य है, दास्य में और एक निष्ठा तो रहता है लेकिन और एक गुण विशेष गुण रहता है वो क्या है ना ममता। अब दास्य में निष्ठा भी रहता है और ममता भी रहता है, जैसे नंद बाबा के घर में जितने भी ग्वाल वाल हैं और जितने भी सब सेवा करते हैं वो सब क्या करते हैं कृष्ण को दास्य भाव में सेवा करते हैं, उनकी निष्ठा है कृष्ण के प्रति लेकिन विशेष रूप में ममता है कि कृष्ण किस रास्ते में चल के गोचारण करने के लिए जाएंगे और कृष्ण तो स्वपद रमण खाली बाद में पैर में जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम थोड़ा झाड़ू कर देंगे, विशेष रूप में ममता रहता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं उससे ऊपर थोड़ा उठ जाए तो साक्ष्य रस, तो साक्ष्य रस में क्या होता है ना उसमें शांत रस का निष्ठा रहता है और दास्य रस का ममता रहता है और उसने और अपने एक भाव रहता है वो निसंकोच भाव है। कृष्ण को क्या कर देते हैं ना कृष्ण को विशेष रूप में निष्ठा तो करते हैं ममता भी करते हैं, ममता विशेष विशेष चीज व्यंजन कृष्ण को लिए क्या करते हैं कभी कभी चोरी करके ले आते हैं और कृष्ण को क्या करते हैं ना भोजन भी करवा देते हैं। मध्यान्ह कालीन लीला में हर हर सखा बैठते हैं और कृष्ण को बोलते हैं लो कृष्ण कन्हैया आज ये दूध वाला क्या कहो ना रोटी खाओ, आज ये लड्डू खाओ, आज मैंने घर से ये लिया है, आज मैंने घर से छाछ लिया है, आज मैंने घर से पेड़ा लिया है, ये लो ये लो, तो ममता तो रखते हैं लेकिन निसंकोच भाव रखते हैं। हमारे गुरु परम गुरुदेव ने एक आर्टिक इसमें लिखा है कि छले वाले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, उसमें बता रहे हैं कि मधुमंगल को लड्डू पसंद नहीं है लेकिन इतना बड़ा लड्डू कृष्ण अकेला कैसे खा जाएगा हमको नहीं देंगे, तो वो क्या करते हैं मधु और मंगल छल से और बल से छल पूर्वक कृष्ण को क्या करते हैं ना खींच लेते हैं और छल से अगर कृष्ण नहीं दिया कृष्ण को बोलते हैं कि नया लड्डू दे दो ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं, छल करते हैं और छल से नहीं दिया कृष्ण तो उसको बल प्रयोग करते हैं, बल प्रयोग करके उनको क्या करते हैं ना छीन लेते हैं। और जब थोड़ा सा ले लिया अब इनको तो पसंद नहीं है तो ये बोलते हैं ले लो तुम्हारे लड्डू तुम ही खाओ, अपना उच्चिष्ट भी दे देते हैं, स्कंदे चढ़ाए स्कंदे चढ़े, खुद क्या करते हैं ठाकुर जी के स्कंद में भी आरोहण हो जाते हैं और ठाकुर जी को स्वयं स्कंद पे बिठा देते हैं। ये उनका जो निसंकोच भाव है, हमने जितने भी इससे पहले जितने भी अवतार लिए वहां पे निसंकोच भाव नहीं था, यद्यपि राम जी में 62 और आधा गुण है फिर भी निसंकोच भाव नहीं था, सुग्रीव और जो जितने भी उनका विभीषण उनके क्या मित्र होने पर भी कभी भी उनके कंधे पे हाथ नहीं रखे, ठाकुर राम जी के कंधे पे हाथ नहीं रखे और कभी भी उनके क्या उनके एक आसन पे बैठ के नहीं खाए, उच्चिष्ट तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ पे बता रहे हैं ये द्वारिका कृष्ण में भी नहीं देखा जाता, जैसे अर्जुन तो कृष्ण को सखा ही मानते थे, जब कृष्ण ने विश्व रूप दिखा दिया तब क्या हुआ स्तुति करने लगे वहां पे आप तो भगवान हो मैं आपको सोच रहा था कि मेरे सखा हो। अब यहाँ पे ब्रज में कृष्ण पता नहीं कितना कितना लीला करते हैं, कल दावानल लीला के बारे में हम श्रवण कर रहे थे, पता नहीं कितना कितना लीला करते हैं फिर भी सखा लोग क्या बोलते हैं बोले तुम तो वही हो स्तुति नहीं करते, उल्टा डांट लगाते हैं। गिरिराज धारण लीला में बोलते हैं कृष्ण मैं देखो गिरिराज उठाया, अब बोल सखा लोग बोले तूने कहा गिरिराज उठाया हमने डंडा पकड़ के रखा
नहीं तो गिर जाता। तो इस प्रकार का जो भाव है उनमें निसंकोच भाव है। अब उससे ये जो कृष्ण है उतना मात्रा में वो इस सखा लोगों को प्रेम प्रदान किया जिस जिस रस में। अब इससे थोड़ा आगे उठ जाओ वात्सल्य भाव। जो वात्सल्य भाव क्या होता है ना, इसमें जो शांत का निष्ठा रहता है, इसमें दास्य का ममता रहता है, और इसमें साख्य का निसंकोच भाव रहता है, और उसको तीन भाव को छोड़ के इसमें और एक विशेष भाव रहता है, वो है पाल्य भाव। जैसे जसोदा माता और नंद बाबा में है, ये कृष्ण में निष्ठा रखते हैं पूर्ण रूप में, ये कृष्ण में क्या करते हैं ममता रखते हैं प्रीति रखते हैं, और कृष्ण में निसंकोच भाव रहते हैं, डांट लगा देते हैं कृष्ण को, निसंकोच भाव कृष्ण को नंद बाबा बोलते हैं कन्हैया मेरा जूता ले आओ, कन्हैया ये ले आओ वो ले आओ, और पाल्य भाव रहते हैं रखते हैं। कन्हैया ठाकुर जी को स्नान करना, जोर जबरदस्ती ठाकुर जी को क्या करना वहां पे, जोर जबरदस्ती ठाकुर जी को भोजन लगे भूख लगे तो जोर जबरदस्ती ठाकुर जी को लो ये खाओ वो खाओ, पाल्य भाव पालते हैं ये ठाकुर जी को, अपने बेटे जैसे मानते हैं। जैसे हमारे दामोदर अष्टकम में बड़े अच्छे बात बताया एक श्लोक में, शायद निदंते मुखामुज श्लोक में, कि वहां पे श्री गुरुदेव ने टीका पे आप लोग देखना, वहां पे एक बड़े अच्छे स्टोरी बताया दामोदर अष्टकम में। किसी समय कृष्ण के मुख पे अधर पे कुछ चोट लग गया था, मतलब कुछ क्षत हो गया था, और शरीर में कुछ क्षत विक्षत हो गया था। अब यशोदा माँ बोल रहे हैं कि अरे कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, पूरा क्षत विक्षत हो गया है। तो वहां पे कुंदलता थी, तो कुंदलता सखी ने बोलने की अरे यशोदा माँ आपके कृष्ण रास रचाता है, रास ये रास करता है। अब ये वात्सल्य रस के जो पूर्ण पात्र है ये मधुर रस के रास के बारे में उनको क्या पता होगा यशोदा माँ तक। वो लाट करके छठ पर के बोलते हैं अरे मेरे बच्चे अभी तक उनका जो दूध खाने का समय भी गया नहीं, उनके मुख से दांत भी निकला नहीं, अब भी तो वो बोल रहे हैं, वो तुतला तुतला के बोल रहे हैं, अब तुम बोल रहे ये रास करता है। बोले ये रास नहीं करता, ये जो जंगल में घूमता रहता है उसी समय क्या होता होगा सखा के संग खेलने में इतना निमज्जित हो जाता है कि उसमें क्या होता है उसका कहीं क्षत विक्षत हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे कृष्ण अगर बोल भी दे कि मैं रास करता हूं लेकिन उनके उतने ही प्रेम प्राप्त होगा जितना उनका रस है, माधुर्य वात्सल्य में जितना रस है उनको कृष्ण क्या करते हैं ना उतना ही रस प्रदान करते हैं। और कृष्ण अगर यहाँ पे ऐश्वर्य भी दिखाते हैं, जब काल्या दलन लीला हुआ तो सब कृष्ण ने फिर काल्या दलन लीला करके बाहर आ गए, तो गुरुदेव इसको बताते कि कृष्ण मैया को बोले मैया मैया मैंने काल्या के ऊपर सर पर नाचा, झट करके यशोदा माँ कृष्ण के कान को पकड़ते हुए चुप चलो तुम्हारा नाचना अभी दिखाता हूँ घर में जल्दी चलो। गोपी लोग बोलते हैं कि यशोदा माँ बोलते हैं कि अरे मेरा श्याम सुंदर का स्वरूप इतना था कि पहले तो जो भी काल्य दलन में मतलब जो काल्यन्द्री में घुसा वो सब मर के आ गए, लेकिन कृष्ण जब घुसे शायद ये काल्य को दया आ गया होगा कि इतना सुंदर लड़का त्रिभुवन में कभी देखा नहीं, इतना सुंदर है, इतना इसका स्वरूप है, इसका इतना कोमल वदन है, इसमें मैं कैसे फन मार सकू, इसमें मैं कैसे जहर डाल सकू, तो इसलिए काल्य को शायद तुम्हारे ऊपर दया आ गया होगा और काल्य तुमको अपने सर पे चढ़ा लिया। बोले कृष्ण बोलने मैया मैं तो नाच रहा था, बोले तुम नाच नहीं रहे थे, काल्य का सहस्र बना है उसने सोचा कि ये सर पे खड़े खड़े क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा नचा लेता हूँ, वो अपने फन को ऐसे ऐसे हिलक ढुलक रहा था, मान लो कि तुम वहां पे खड़े नहीं हो पा रहे थे तो इधर से कभी उधर, उधर से कभी उधर, उधर से उधर, तो ये तुम्हारा चंचलता गुण है। तो पूरा का पूरा जो ऐश्वर्य दिखाने पर भी उनको उतने मात्र में ही कृष्ण क्या किया ना प्रेम प्रदान किए यशोमती मैया को, जिन्होंने वात्सल्य भाव में कृष्ण को सेवा किया। अब बता रहे हैं जो मधुर भाव का सेवा है, तो जो मधुर भाव का सेवा करते हैं उसमें जो चार रस है, जो शांत रस का निष्ठा, दास्य का ममता, वात्सल्य का साख्य का निसंकोच भाव, वात्सल्य का उसमें बाल्य भाव, और उतने उसमें एक अच्छे विशेष अपना एक भाव रहता है वो है सर्वांग सेवा भाव। गोपी लोग इस सारे भाव को लेकर सर्वांग कृष्ण को अर्पण कर देते हैं। तो इनको कृष्ण क्या किए ना इतने मात्रा में ही इनको क्या किए ना कृष्ण प्रेम प्रदान किए। अब ये भी प्रेम प्रदान कहाँ किए ना ये ब्रज में किए। अब जब ये ब्रज से बाहर ही कहीं पे भी प्रेम प्रदान नहीं किए, अब जब सचिदानंद महाप्रभु ने आए ये कौन है ना ये है आश्रय जाति,
आश्रय जाते हो क्या आप प्रभु जी, तब से बोल रहे हो आश्रय जाते हो विषय जाते हो, ये तो हम कुछ समझ में नहीं आ रही है, बाउंस हो जाएगा हमारे ऊपर, पता नहीं क्या आश्रय जाते हो विषय जाते हो। तो इसका मतलब संक्षिप्त में हम श्रवण करेंगे तो आश्रय जाते वही है ना, राधा रानी कृष्ण को जो सेवा करते हैं उनसे जो सुख प्राप्त होता है वो है विशेष रूप में आश्रय जाते। राधा रानी प्रेम का आश्रय है और कृष्ण सारे सेवा को लेते हैं, इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं ना विषय जाते हैं, गुरुवर का आश्रय जाते हैं कि क्यों ना ये क्या करते हैं ना कृष्ण को विशेष रूप में सेवा करके वो तृप्त हो जाते हैं, वो आस्वादन करते हैं और कृष्ण उस सेवा को ग्रहण करते हैं, इसलिए वो विषय जाते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि आश्रय जाते हैं कि जो कृष्ण कल गए ये आज यही पर खत्म कर देते हैं, फिर कल इसे आगे सुनते हैं। अब लोगों का जाने घर में जाने का देर हो रहा है, रोटी ठंडा हो रही है। हाँ जाओ माइक दे, हाँ धर धर ठीक से पकड़ा उसको, इसको दे दो। मेरी राधा की कौन करे होड़, सुनो रे प्यारे नंद